सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तीन प्रकार की सेवाएं बताई भगवान कपिल ने। एक है तन की सेवा, एक है मन की सेवा और एक है धन की सेवा। देखो, एक सेवा तो तन से की जाती है। अब बहुत सारे लोग तन से सेवा नहीं कर पाते, बहुतों को बीमारी लग जाती है, नहीं हो पाती तन से सेवा। बहुत सारे लोग इतने मोटे हो जाते हैं वो कर ही नहीं पाते तन से सेवा। अच्छा, बहुत सारे लोग इतने मक्खी चूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, उनकी संपत्ति चाहे दुनियादारी में लग जाए पर कहीं कथा कीर्तन में नहीं लग जाए, कहीं मंदिर देवालय में नहीं लग जाए। उनकी सोच होती है कुछ ऐसी। और मुझे तो ऐसा लगता है भैया, उन्हीं लोगों का धन भगवान की सेवा में लगता है जिनके धन के लिए भगवान की इच्छा होती है कि इसका धन हमारी सेवा में लगना चाहिए। सबका धन नहीं लगता ठाकुर जी की सेवा में। एक होती है तन की सेवा, एक होती है धन की सेवा, एक होती है मन की सेवा। ठाकुर जी को ना आपका तन चाहिए ना आपका धन चाहिए, ठाकुर जी को तो भैया आपका मन चाहिए। आप ना तन से करिए ना धन से करिए और मत और किसी से मत करिए, पर मन से करिए। मन से कैसी सेवा? संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यं उत्तुंग रक्तविल सन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयांधकारम्। प्यार से कहिए राधे राधे, फिर कहिए राधे राधे राधे। हम मन ही मन भगवान का ध्यान करें, भगवान के चरण कमल कैसे हैं, भगवान के घुटने कैसे हैं, भगवान का नाभि प्रदेश कैसा है, भगवान का वक्षस्थल कैसा है, भगवान का मुखमंडल कैसा है और मुखमंडल पर छाई हुई भगवान की मुस्कान कैसी है। आहा।